To see how to improve shooting, what are the exercises that you should have to do to improve shooting for your best candidate shooting competition, and you are going to willing for IDSSC shooting camp Mavalankar to represent your directorate in shooting camp of NCC. So whatever I am going to tell you in this video, I am saying after my hard experience and hard practice. So I have done Inter-Directorate Selection Shooting Camp where I represent Agra Group two times in 2021 and in 2022 also. And in RDC also, I represent my Uttar Pradesh Directorate as a best cadet. In best cadet, there is a separate competition of rifle shooting, competition of 150 marks, and jisme hum sabse zyada acha score kar sakte hain. Before that, in my school time, I am two-time gold medalist in air rifle shooting at National Adventure Foundation Camp. सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मैंने इसका कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था या इस तरह से कोई प्रैक्टिस नहीं किया था फॉर कोचिंग और इन स्टेडियम एंड ऑल. दैट इज़ अ गॉड गिफ्ट विच नीड ओनली अ कॉन्सेंट्रेशन फॉर शूटिंग एंड वन टाइम इफ़ यू गेट ना कि आपको किस तरह से शूटिंग करना है एंड आपको अपने राइफल का आइडिया हो गया है लाइक जो यू कट है या फोर साइड टिप है किस तरह से आपको अरेंज करना है देन उस अलाइनमेंट को बनाना है थ्रू दैट होल की टारगेट तक वहाँ तक एक इमेजनरी स्ट्रेट लाइन बने आपको ब्रीथ कंट्रोल करना है एंड अगर आपको इसका आइडिया हो गया है आई एम श्योर कि अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेट के साथ कर रहे हो ना देन नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर प्लस 120 और 130 आउट ऑफ 150. सो बहुत ही ईजी होता है बस द थिंग इज़ कि आपको एक बार आइडिया हो जाना चाहिए अपनी शूटिंग से. सो आई एम श्योर कि आपने भी ये सब सुना होगा, सुना सभी ने होता है कि हमें शूटिंग में करना क्या होता है और उसके साथ साथ हमको आर्म स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करना होता है फॉर बेस्ट कैडेट. लाइक उसमें तीनों पोजीशन यानी स्टैंडिंग में भी होता है तो जो राइफल होता है वो बबलिंग बहुत करता है या हिलता बहुत है तो उस सब के लिए आपको एक्सरसाइज जो करना होता है आपने सुनी होगी बट आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो. सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. I'ma run up on you. With your bitch ass. I'ma run up on you. I'ma run up on you. With your plank ass. So what are the things that you should have to remember while shooting? First, know the basic. आपको सबसे पहले ये प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि हमारा यू कट है देन हमारा जो फोर साइड टेप है उसको हमें किस तरह से अरेंज करना है. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक कॉपी पर बनाकर वो पेज पर दिखाया था वो आपको सबसे पहले समझ आ जाना चाहिए. देन सेकेंड इज़ टेक रूल्स एंड प्रैक्टिस. जो आपको रूल्स बताए जाते हैं ना आप वो सिर्फ कॉपी पर लिखने के लिए नहीं होते हैं वो प्रैक्टिस यानी जब फिजिकली आप राइफल हाथ में लेते हो उस टाइम के लिए होते हैं. लाइक द फर्स्ट इज़ करेक्ट पोजिशन. आपको बोलते हैं करेक्ट पोजिशन तो वो सिर्फ कॉपी पर लिखने के लिए नहीं होता है बिकॉज अगर आपकी पोजिशन ठीक नहीं होगी देन आपकी शूटिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती है. आपको सबसे पहले कंफर्टेबल होना होता है. अगर आपका कहीं भी ध्यान इधर से उधर हो गया देन आपका जो शूटिंग है वो पूरा बिगड़ जाएगा. देन सेकंड इज़ हेड. आपने हेड बहुत बार सुना होगा होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन. ये फालतू का नहीं होता है यही सबसे ज़्यादा मेन होता है. लाइक आपको राइफल होल्ड करना आना चाहिए कि आपको किस तरह से राइफल को पकड़ना है तो डू प्रैक्टिस फॉर इट. आप पूछो जिसे मतलब आपके वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्टर्स हों एंड इसमें मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कि किस तरह से मेरे पास अभी राइफल नहीं है उसके लिए बट वेन एवर आई विल गेट द वीडियो या राइफल तो आई विल शो यू ऑन माय यूट्यूब चैनल. देन सेकंड इज एमिंग. एमिंग इज द सेम. मैंने आपको बताया किस तरह से एम लेते हैं. लाइक आपको यू कट्स लेना है देन फोर साइड टेप को देखना है देन टारगेट को देखना है. लाइक टारगेट पेपर को आपको नहीं कॉन्सेंट्रेट करना होता है आपको जो फोर साइड टेप है उस ब्लेड पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है. टारगेट पेपर आपको क्लियर नहीं ब्लर देखना होता है. देन थर्ड वन इज़ ट्रिगर ऑपरेशन. जो ट्रिगर ऑपरेशन है वो कभी भी आपको झटके से प्रेस नहीं करना होता है. ये हम नॉर्मली सुनते हैं बट तो जब हमारी शूटिंग के लिए ऐसा मिलती है देन हार्ड 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 बस शूट करते थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. वर्क ऑन ब्रीथिंग. मोस्टली कैडेट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो ब्रीथ
कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या वो ब्रीथ पर ध्यान देते ही नहीं है एट द टाइम ऑफ शूटिंग, तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं देन उसमें बहुत ज़्यादा एरर हमारी राइफल की जो शूटिंग होती है उसमें आता है। वर्क ऑन कॉन्सेंट्रेशन, आपको इधर उधर ध्यान कहीं भी नहीं रखना है, लाइक आप किसी दूसरी बात में सोच रहे हो यार मेरी शूटिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, या पीछे कोई बोल रहा है उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो, या बगल वाला बोल रहा है कि अरे उसकी अच्छी हो रही है, या कोई और आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में सोच रहे, शूटिंग के टाइम पर आपके पास वो 15 बुलेट हैं, आपको सिर्फ उसी बुलेट के बारे में सोचना है कि वो जो एक बुलेट है वो आपको 10 मार्क्स मिल सकती है। वर्क ऑन आई, लोगों की आँख बंद नहीं होती है, एक आँख बंद नहीं होती है, रुमाल बांधते हैं या उनकी आँख ब्लर हो जाती है, वो खुलने लगती है, कब कब आने लगती है, तो ये सब पर आपको वर्क करना है। वर्क ऑन आर्म स्ट्रेंथ, स्टैंडिंग पोजीशन में आते ही जो कैडेट्स होते हैं उनके जो हाथ है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं, या जो कब कब आने हम बोल सकते हैं कंपनसेशन होता है, एंड जो शूटिंग जो राइफल होती है वो बबलिंग करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज उसका वेट काफ़ी होता है, 3-4 kg उसका वेट है, लाइक डीलर का मार्क 4 का मैं बात कर रही हूँ 0.22 का, तो उसके लिए आपको वर्क करना है, आपको ईट लेनी है, उससे आपको पोजीशन बनाए रखनी है, लाइक 10-10 मिनट तक आपको सेम पोजीशन में बने रहना है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आप अलग से टाइम निकालो, बट वेन एवर यू आर गेटिंग टाइम इन कैंप एंड ऑल, तो आपको ये करना मस्ट है। लाइक हम जब शूटिंग करने जाते थे हम शूटिंग कम करते थे विद बुलेट, बट हम मस्कटरी करते थे विद राइफल, सिर्फ ईटों के साथ राइफल के साथ उसको हाथ में लेकर, जिससे हमारे जो हाथ थे उसमें हमें उसका जो वेट है वो एट द टाइम ऑफ शूटिंग हल्का लगे। डू बिलीव ऑन राइफल, लोग अपनी राइफल को सोचने लगते हैं कि यार मेरी राइफल बेकार है, उसकी राइफल अच्छी है, तो राइफल कोई बेकार नहीं होती है, उस पर आपको कभी भी शक नहीं करना है, सभी राइफल अच्छी हैं। अगर राइफल में एरर है एंड यू आर अ गुड शूटर देन यू कैन डू इट, कि आप अपना जो करेक्शन है क्लॉक वाइज कर सकते हो, लाइक अगर आपकी शूटिंग एम जो है मिड में ले रहे हो एंड आपका जो बुलेट है वो 11 o'clock जा रहा है, देन आपको शूटिंग का 5 o'clock में जो है एम लेना है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मिडल में आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग, अगर आपको शूटिंग आता है तो देन अगर जो लास्ट है दैट इज़ डू प्रैक्टिस विद सेम राइफल इन कॉम्पिटिशन और इन प्रैक्टिस, सभी जगह आपको सेम राइफल यूज़ करना है, बट नंबर चेक करना है, क्रेडिट मोस्टली मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, उनकी राइफल चेंज हो जाती है, स्टार्टिंग में एक बार मेरे साथ भी हुआ था, एंड आपको इस बारे में मतलब ये जो चीज़ है इस बारे में ध्यान रखना है। और द लास्ट वन इज़ कि बोलने से कुछ नहीं होगा, लाइक मैंने यहाँ बोल दिया आपने सुन लिया, नहीं होगा। इफ़ यू आर सेइंग कि हाँ भाई ये तो ऐसे होता है, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि ईट हम लेकर टाइम लगाएं या मतलब ऐसे प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज करें, तो यार नहीं होगी शूटिंग फिर अच्छी, है ना। अब आपकी मर्जी है, आपको करना है देन आपको करना है तो करना ही पड़ेगा। ये बाकी एक दिन में प्रैक्टिस करने के बाद या इस तरह से शूटिंग रातों रात में अच्छी नहीं हो जाती है कि आज हमने रात को सोच कर सोए हैं कि हम कल देर से मरेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो इन दिस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।